આનંદ દિવસની ઉજવણીમાં પ્રધાનમંત્રીએ વિરોધીઓ પર કર્યા પ્રહાર. કેટલાક લોકોએ આ ઉજવણી મામલે સવાલો ઉઠાવ્યા હતા. બાબા સાહેબનું નામ હોય અને સવાલ ઉઠાવવો એ ઠીક નથી. બાબા સાહેબનું સ્મરણ કરવાની તૈયાર ન હોય એ ચિંતાનો વિષય. કેટલાક રાજકીય પક્ષો જ લોકતાંત્રિક ઢબ ખોઈ ચૂક્યા છે. પારિવારિક પાર્ટીથી જ રાજકીય પક્ષોનું બંધારણ ખતમ થાય છે. યોગ્યતાના આધારે એક જ પરિવારમાંથી લોકો રાજનીતિમાં આવે છે. ભ્રષ્ટાચારને નજરઅંદાજ કરવામાં આવે ચિંતાનો વિષય. લોકલાજ મર્યાદા છોડી ભ્રષ્ટાચારીઓને સાથ અપાય છે તો કેટલીક પાર્ટીઓ માત્ર પોતાના પરિવારનું જ વિચારે છે. વિપક્ષે બંધારણની ભાવનાને ઠેસ પહોંચાડી છે તો કેટલાક લોકો માટે પરિવાર એ જ પાર્ટી છે. भारत एक संवैधानिक लोकतांत्रिक परंपरा है. राजनीतिक दलों का अपना एक अहम महत्व है और राजनीतिक दल भी हमारी संविधान की भावनाओं को जन जन तक पहुंचाने का एक प्रमुख माध्यम है. लेकिन संविधान की भावना को भी चोट पहुंची है. संविधान के एक एक धारा को भी चोट पहुंची है जब राजनीतिक दल अपने आप में अपना लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो देते हैं. जो दल स्वयं लोकतांत्रिक कैरेक्टर खो चुके हो वो लोकतंत्र की रक्षा कैसे कर सकते हैं. आज देश में कश्मीर से कन्याकुमारी, हिंदुस्तान के हर कोने में जाइए, भारत एक ऐसे संकट की तरफ बढ़ रहा है जो संविधान को समर्पित लोगों के लिए चिंता का विषय है, लोकतंत्र के प्रति आस्था रखने वालों के लिए चिंता का विषय है. और वो है पारिवारिक पार्टियां. राजनीतिक दल पार्टी फॉर द फैमिली, पार्टी बाय द फैमिली, अब आगे कहने की जरूरत मुझे नहीं लगती है. कश्मीर से कन्याकुमारी हरी राजनीतिक दलों की तरफ देखिए, ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है. संविधान हमें जो कहता है उसके विपरीत है. और जब मैं ये कहता हूं कि पारिवारिक पार्टियां, इसका मतलब मैं ये नहीं करता हूं कि एक परिवार में से एक से अधिक लोग राजनीति में ना आए. जी नहीं, योग्यता के आधार पर जनता के आशीर्वाद से किसी परिवार से अधिक लोग राजनीति में जाएं, इससे पार्टी परिवारवादी नहीं बन जाती है. लेकिन जो पार्टी पीढ़ी दर पीढ़ी एक ही परिवार चलाता रहे, पार्टी की सारी व्यवस्था परिवारों के पास रहे, वो लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा संकट होता है. और आज संविधान के दिवस पर संविधान में विश्वास करने वाले, संविधान को समझने वाले, संविधान को समर्पित सभी देशवासियों से मैं आग्रह करूंगा कि देश में एक जागरूकता लाने की आवश्यकता है.